इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रो कबड्डी सीजन 11 के उन टीम्स के बारे में जो कि अपना हेड कोच को चेंज करने जा रहे, जो नए हेड कोच के साथ जाने वाले इस सीजन, उन टीमों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। स्टार्ट करते इस वीडियो को और अगला वीडियो से हम रिटेंशन वीडियोस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। रिटेंशन के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे अगले वीडियो से, तो उसके लिए आपको बस कुछ ही देर वेट करना है। तो इस वीडियो में हम हेड कोचेस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूँ, बहुत सारे हेड कोचेस ऑलरेडी कन्फर्म हो चुके हैं, उसका वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हो। सबसे पहली टीम तमिल थलाइवास की। तमिल थलाइवास की टीम नए हेड कोच के साथ जाने वाली है, कन्फर्म हो चुका है ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने कोच असन कुमार सर के साथ अब नहीं जुड़े रहेंगे, क्योंकि असन कुमार सर अब इस टीम के साथ जुड़े नहीं है। कि पहले ऐसा अपडेट आया था कि असन कुमार सर का एक साल पहले अपडेट आया था कि जब क्वालिफाई हुई थी कि 2025 तक हम उनका एक्सटेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन अब ऐसा अपडेट आया कि असन कुमार सर अब जुड़े नहीं हैं। ही हैज पार्टेड वेज विद तमिल थलाइवास और अब असन कुमार सर कोच नहीं है। तो कौन वो कोचेस बन सकते हैं इस टीम के? बहुत सारे कोचेस अवेलेबल है इस वक्त, तो मैं आपको तमिल थलाइवास के से दो कोचेस कह रहे हैं बता सकता हूँ जो कोच बन सकते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी आते हैं माइटी मंजीत चिल्लर। अब मंजीत चिल्लर जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अब वो रिटायरमेंट ले चुके प्रो कबड्डी के, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है, नंबर वन डिफेंडर थे पहले, अब तो नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़े खिलाड़ी और इस टीम को काफ़ी पास से देखा है। सीज़न 6 और सीज़न 7 में एज अ प्लेयर तमिल थलाइवास के लिए खेल चुके, तो इनका हम पहले जान लेते हैं। तो मंजीत चिल्लर के बारे में, तो अभी तक एक टीम को कोच कर चुके, तेलुगु टाइटन्स को सीज़न 9 में असिस्टेंट कोच के रोल में, और अचीवमेंट तो हम सबको पता है प्रो कबड्डी सीज़न 8 में दबंग दिल्ली के लिए बतौर खिलाड़ी चैंपियन बने थे मंजीत चिल्लर। तो अभी भी मंजीत चिल्लर कोचिंग के रोल में अवेलेबल है, लास्ट सीजन नज़र नहीं आए थे, लेकिन तमिल थलाइवास मंजीत चिल्लर के साथ जा सकते हैं क्योंकि इस टीम को करीब से देखे हैं वो, और हो सकता है मंजीत चिल्लर के आने से, देखो थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर है लेकिन कोच अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि समय लगता है कोई प्लेयर को कोच में ट्रांजिशन के लिए, और मंजीत चिल्लर बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का, क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर का नेशनल्स हुआ था वहाँ पर दिल्ली के साथ जुड़े थे, नॉर्दर्न रेलवेज के भी कोच रह चुके, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एक और बहुत ही अनुभवी कोच रामबीर खोकर सर हो सकते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज अ कोच पूरे इंडिया में देख ले तो। रामबीर खोकर सर जो कि लास्ट सीज़न दबंग दिल्ली के हेड कोच थे और वो दबंग दिल्ली को प्लेऑफ्स में ले गए, बहुत सारे यंग टैलेंट्स उन्होंने दिया जो कि जूनियर चैंपियनशिप के योगेश हो गए, आशीष हो गए, लेकिन अब जोगिंदर नरवाल जो असिस्टेंट कोच थे वो अब हेड कोच बन चुके हैं। तो अब रामबीर खोकर सर अब उस टीम के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन अगर इनका इंडेक्स देखें तो 38 से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और पटना पायलट्स, हरियाणा स्टीलर्स, दिल्ली के साथ ऑलरेडी हेड कोच के रोल में दिख चुके हैं। अचीवमेंट क्या है, हरियाणा, पटना और दिल्ली को जितनी भी टीमों को कोच किया है हर बार वो प्लेऑफ्स में ले गए। पटना को सीज़न 1 में ले गए थे प्लेऑफ्स में, उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स को सीज़न 6 में ले गए थे आई थिंक, और उसके बाद दबंग दिल्ली को भी लास्ट सीज़न प्लेऑफ्स में ले गए। अगर रामबीर सर अवेलेबल है, अगर वो रिटायरमेंट वगैरह कुछ नहीं लिए, अगर वो अवेलेबल है तो थलाइवास को इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोचिंग का एक्सपीरियंस है। अगले नाम धर्मराज चिल्लाथन का आता है। धर्मराज चिल्लाथन प्रो कबड्डी के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर माने जाते थे, अब तो रिटायरमेंट ले चुके, अनाउंसमेंट नहीं आया लेकिन रिटायरमेंट ले चुके, क्योंकि दो सीज़न से वो ऑक्शन में नाम नहीं था उनका, सीज़न 9 में भी नहीं था, 10 में भी नहीं था, ठीक है, तो दोनों सीज़न में ऑक्शन में नाम नहीं था। उसके बाद अभी सीनियर नेशनल्स में इंडियन रेलवेज़ के एज अ हेड कोच नज़र आए थे, मतलब ये भी कोचिंग में आ चुके और अभी रेलवेज 2024 के लिए कोच बने थे, तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है और प्रीवियस टीम्स अभी तक कोच नहीं किए, लेकिन बतौर खिलाड़ी अनुभव बहुत ज़्यादा है। 46 ईयर्स तक जब आप प्रो कबड्डी खेलते हो, PKL4 में बतौर कैप्टन तो नहीं थे, चैंपियन बनी थी पटना पायलट्स, उस विनिंग टीम के पार्ट थे, जयपुर के साथ खेल चुके, युमुम्बा, पुनेरी पल्टन, बहुत एक्सपीरियंस है। और अभी अपडेट भी आ रहा है कि क्या मालूम तमिल थलाइवास चिल्लाथन अन्ना के साथ चले जाए, ये भी तमिल के लोकल बॉय है, हो सकता है इनके साथ जा सकती है। थे पहली टीम। दूसरी टीम बंगाल वॉरियर्स की है। अब बंगाल वॉरियर्स भी शायद हेड कोच चेंज कर सकते हैं इस बार। देखो तमिल थलाइवास तो 100% करने वाली है कि उनके पास अब कोच नहीं है तो नए कोच के साथ जाएगी। ये टीम भी नए कोच के साथ जा सकती है क्योंकि के भास्करन सर दो सीजन से जुड़े हुए हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए, लेकिन दो सीजन में एक बार भी अभी तक क्वालिफाई नहीं किया। अब दो चीज़ें, क्या वॉरियर्स लॉयल्टी शो करेगी अपने पुराने कोच को या फिर नए कोच के साथ जाएगी? मुझे लगता है अब समय आ चुका है नए हेड कोच के साथ जाने में, और अभी भी वॉरियर्स के पास भी बहुत खुला किताब है, बहुत ऑप्शंस है। सबसे पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है ई भास्करन सर का, इडाचेरी भास्करन सर। हम सबको पता है यू मुंबा को चैंपियन बनाने में सीज़न 2
टू में इनका कितना बड़ा योगदान रहा, सीजन वन से लेके फाइव तक मुंबा के कोच थे, फिर सीजन सिक्स और सेवन में थलाईवास के कोच थे, और सीजन सेवन में जब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कर रही थी एक्सपीरियंस खिलाड़ी के बावजूद, तो इन्होंने बीच में कोचिंग छोड़ दिया था, रिजाइन ले लिया था, और अब इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए एज अ मैनेजर। तो ये अवेलेबल है, और अगर ये अवेलेबल है तो इनके साथ वॉरियर जा सकती है। 30 से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यू मुंबा तमिल थलाईवास को कोच कर चुके हैं, और पीकेएल सीजन टू में भी चैंपियन बनाया है यू मुंबा की टीम को। और इनके बारे में बात करें तो इंडियन टीम डोमेस्टिक में भी सर्विसेज के साथ जुड़े हुए, पहले से कोचिंग करते थे 2016 तक, उसके बाद अब इंडियन टीम के साथ जुड़ गए, और एक एडवांटेज बहुत मिलेगा अगर आप इनको हेड कोच बनाओ तो। अगर ये अवेलेबल है, अगर ये आना चाहते हैं, तो वॉरियर्स की टीम को बहुत मजबूती प्रोवाइड हो सकते हैं कि इंडियन टीम के साथ भी जुड़े। दूसरे नाम है पद्मश्री अजय ठाकुर का। अजय ठाकुर अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, मैं आपको बता दूं प्रो कबड्डी से, और अब वो प्रो कबड्डी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन लास्ट सीज़न क्या हुआ था कि दबंग दिल्ली की टीम ने हेड कोच रामवीर खोकर को बनाया था और असिस्टेंट कोच अजय ठाकुर को बनाया था, लेकिन अजय ठाकुर ने बाद में ऑक्शन में भी मौजूद थे, ऑक्शन टेबल में उनका एक अपडेट आया था, पोस्ट आया था कि वो अब इस बार शायद असिस्टेंट कोच नहीं बन पाएंगे कुछ निजी कारणों के कारण, लेकिन इस बार अजय ठाकुर अवेलेबल हो सकते हैं अगर वो अपने ऑफ ड्यूटी अवेलेबल है, क्योंकि वो डीएसपी के पद पे हिमाचल प्रदेश का, अगर वो अवेलेबल है तो उनके साथ जा सकते हैं। सीज़न एट के चैंपियन है बतौर खिलाड़ी दबंग दिल्ली के, इंजरी हुई थी लेकिन विनिंग टीम के पार्ट थे अजय ठाकुर, और इतना एक्सपीरियंस अजय ठाकुर के पास, तो एक नया यंग, मतलब एक यंग कोच ही कह सकते, एक नया रोल पर हमें अजय ठाकुर नज़र आ सकते हैं। क्या अजय ठाकुर के साथ वॉरियर जा सकती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगला नाम ऑब्वियसली असन कुमार सर का आएगा। असन कुमार अब तमिल थलाईवास के हेड कोच नहीं है, अब क्या इन्होंने तमिल थलाईवास को छोड़ा या थलाईवास ने इनको छोड़ा है, ये चीज़ अभी जानना बहुत मुश्किल है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया किसने किसको छोड़ा है। अगर ये अवेलेबल है असन कुमार सर, तो ये वॉरियर्स की टीम में भी जा सकते हैं। बहुत ही ऐसे कोच है जो कि टीम का पूरा नक्शा बदल सकते हैं, ऐसे कोच है और बहुत इंपॉर्टेंट कोच बन सकते हैं इस टीम के लिए। वॉरियर्स की टीम को ज़रूरत है ऐसे कोच के बारे में। तो असन कुमार सर के बारे में, तो इनके पास भी 30 से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तमिल थलाईवास पुनेरी पल्टन के कोच सीज़न सिक्स में रह चुके हैं, सीज़न सिक्स में, और अचीवमेंट क्या है, तमिल को पहली बार प्लेऑफ में ले गए, अपने बीच में आए थे मिड सीज़न में जब उदय कुमार सर कोच थे, उसके बाद ये आए, अब बीच में ही तमिल थलाईवास को पहली बार इतिहास में, प्रो कबड्डी के इतिहास में उनको प्लेऑफ्स में ले गए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और असन कुमार सर के साथ भी वॉरियर्स की टीम जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में, जो कि यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा की टीम ने लास्ट सीज़न गोलम रेजा मजंदरानी को कोच बनाया था, जो कि पहले भी यू मुंबा के कोच रह चुके हैं सीज़न सेवन में, और गोलम रेजा मजंदरानी ने सीज़न सेवन में आई थिंक प्लेऑफ्स में ले गए थे यू मुंबा को, उसके बाद ये कुछ रीज़न से कोच नहीं कर पाए, फिर सीज़न नाइन में, सीज़न टेन में वापस आए, और सुहेल चांडोक सर के सीईओ बनते ये वापस हेड कोच बन गए, और टीम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और गुलम रेजा सर कोच बहुत अच्छे, ईरान के हेड कोच है, अभी एशियन गेम्स एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में हेड कोच के रोल पे नज़र आया है, लेकिन इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए, इसीलिए यू मुंबा की टीम शायद इनको वापस मौका दे, लेकिन मेरे हिसाब से चेंज कर सकती है, क्योंकि अनूप कुमार आपके पास अवेलेबल है। अनूप कुमार अगर हेड कोच के रोल में अवेलेबल है, अगर वो कोचिंग करना चाहे, तो यू मुंबा को इनके साथ जाना चाहिए। इनका इतना बड़ा नाम है अनूप कुमार का, बोनस का बादशाह कैप्टन कूल अनूप कुमार, और इनके पास जिस तरीके की एबिलिटी है, हमने देखा है पुनेरी पट्टन के जब कोच बने थे तो इतने सारे टैलेंट्स, असलम, मोहित, अभिनय, संकेत सावंत, आकाश सिंधे, बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने लाया, और इनके पास ऑप्शन है मुंबा में आने का। मुंबा के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे थे अपने समय में, दो से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, और पुनेरी पट्टन के हेड कोच के रोल में नज़र आए हैं, पीकेएल टू के चैंपियन है बतौर खिलाड़ी यू मुंबा के साथ, और बहुत बड़े खिलाड़ी। अनूप कुमार इंडियन टीम के कप्तान रह चुके हैं, और कितने बड़े खिलाड़ी हम सबको पता है। तो अगर अनूप कुमार अवेलेबल, अगर वो रोल लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इंडियन कोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अनूप कुमार ने यू मुंबा को बड़े पास से देखा है। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो कि अवेलेबल है इस पद के लिए, अगर वो अवेलेबल है तो मुंबा को इनके साथ जाने चाहिए। अगले कोच है राकेश कुमार। राकेश कुमार और अनूप कुमार की दोस्ती तो आप सबको पता है। राकेश कुमार भी अवेलेबल है और बहुत ही बड़े खिलाड़ी, ऑलराउंडर रहे हैं, यू मुंबा पटना पायरेट्स के साथ खेल चुके, तेलुगु टाइटंस के साथ खेल चुके, और हरियाणा स्टीलर्स के कोचिंग में नज़र आए थे सीज़न सेवन में, और सीज़न एट में भी कोच थे, उसके बाद ये कोचिंग से देखने को नहीं मिले उस रोल में, पता नहीं क्या कारण था। और अभी भी राकेश कुमार अगर अवेलेबल है, क्योंकि हमें नज़र आते हैं इंडियन रेलवेज़ में, बीच में भी नॉर्दर्न रेलवेज़ के भी कोच थे, और
3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास अराउंड, 2 साल प्रो कबड्डी और 1 साल नेशनल्स वगैरह वो करते हैं। और हरियाणा स्टीलर्स के कोच थे सीजन 7 में, यहाँ पे अचीवमेंट में हल्का सा मेरे से गलती हो गया, PKL 1 में जयपुर चैंपियन बनी थी तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब अच्छे कोच है, एक बार हरियाणा को प्ले ऑफ्स में ले गया, उसके बाद अनसक्सेसफुल रहे, पता नहीं हरियाणा ने इन्हें हटा दिया, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, अभी भी इनमें वो बात है और नए टैलेंट्स बहुत ला सकते हैं हरियाणा के। और राकेश कुमार सर को हम सब जानते हैं कि इस तरह के खिलाड़ी रहे थे अपने समय, और ये भी अगर अवेलेबल है तो मुंबई ऐसा कर सकती है, फिर एक डुओ बना सकती है अनुप कुमार राकेश कुमार के साथ, इस डुओ को एज अ हेड कोच असिस्टेंट कोच बनाएं, या फिर ई भास्करन सर पहले मुंबई के साथ जुड़ चुके हैं, उनको अजय ठाकुर को, उनको अनुप कुमार को बनाएं, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 टीम्स, पहला टीम तमिल तो चेंज करने वाली है, पर वॉरियर्स और यूमुंबा भी शायद कोच चेंज करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि कामयाबी नहीं मिल रही तो हो सकता है आप चेंजेस करें। तो ये मैंने आपको 3 टीम्स के बारे में बताया जो अपने हेड कोच चेंज करते हुए देख सकते हैं प्रो कबड्डी में। ऐसे ही अब अगर जुलाई में कराना है तो जल्दी हेड कोचेस के नाम अनाउंस करने होंगे। और यूपी उदा ने तो एक खिलाड़ी को भी साइन कर लिया है, गंगाराम खिलाड़ी है जो कि राजस्थान के, आई थिंक गंगाराम करके एक प्लेयर है, वो साइन हुआ है, मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, तो अभी बहुत अपडेट्स आने वाले हैं। यूपी उदा और भी खिलाड़ियों को साइन करेगी, टीम्स करने वाली है। तो ये वो 3 टीमों के बारे में बताया जो हेड कोच चेंज करेगी। थलाईवास करने वाली है और अगला वीडियो से रिटेंशन वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को वीडियो अच्छा लगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में।